ध्रुव की बात विक्की और जुल्मी की समझ में नहीं आई थी और ना ही छलावा का चौंकना समझ आया था। विक्की ने पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? तुमने तो कहा था भंवरी देवी मिली ही नहीं, फिर अचानक ही आ भी गई। ध्रुव ने विक्की को समझाते हुए कहा, दरअसल मैंने भंवरी देवी के लिए एक नोट छोड़ा था और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, भंवरी देवी अगर वो नोट देखेंगी तो सारा माजरा समझ जाएंगी और ये उसी नोट का जवाब है। विक्की ने ध्रुव के हाथ से वो नोट लेते हुए कहा, दिखा तो सही इस नोट में क्या लिखा है। समय अपने समय से ही समय निर्धारित करता है। समय के इस खेल में पंच तत्वों का आपस में मिलना उचित नहीं। उस नोट को पढ़ने के बाद विक्की ने हैरानी से पूछा, ये कुछ समझ नहीं आया। ध्रुव ने वापस उस नोट को लेकर उसे संभाल कर रखते हुए कहा, मैंने भंवरी देवी से कहा था अपने समय यात्रा के बारे में और ये भी कि हम अपने समय में लौटना चाहते हैं, और भंवरी देवी ने कहा है कि हर चीज का समय अपने समय पर ही होता है, उससे पहले नहीं, और अगर हम अब तक नहीं लौट पाए हैं तो शायद अब तक हमारे लौटने का समय नहीं आया है, और इसका मतलब साफ है कि अब तक हमारा काम नहीं हुआ है, और ये सच भी है। ध्रुव की बात विक्की के लिए उलझन भरी थी और विक्की ने कहा, तो क्या करें, भंवरी जी से मिले? ध्रुव ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, तूने देखा नहीं इसमें लिखा हुआ है, समय के खेल में पंच तत्व का मिलन उचित नहीं। मैंने भी हम लोगों को पंच तत्व कहकर ही संबोधित किया था, जो नोट मैंने लिखा था। पंच तत्व मतलब शरीर, और भंवरी देवी ने कहा है पंच तत्वों का आपस में मिलन, मतलब हम उनसे मिले या वो हमसे मिले ये सही नहीं है। हमारा काम था कि हम एक बार भंवरी देवी तक अपना संदेश पहुंचा दे, जो कि हो चुका है, और अब हमें इंतजार करना होगा। जब वो समय होगा हमारे लौटने का, तो मुझे पूरा यकीन है भंवरी देवी हमारी सहायता जरूर करेंगे। कब से ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा जुल्मी अपने सवाल नहीं रोक पाया और बोला, लेकिन एक बात हमको बताओ, भंवरी देवी इस बात पर इतना आराम से जवाब दी है जैसे उनको पहले से पता हो, और जैसे समय में आना जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अरे, ये समय द्वार है, कोई घर की रसोई का द्वार थोड़ी है कि अपने हिसाब से खोला और खाना खा लिया और निकल आए बाहर। ध्रुव ने जुल्मी के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो जुल्मी, ये कोई घर की रसोई का दरवाजा नहीं है, लेकिन हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो भी कोई सामान्य औरत नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो, जब बंजारन का वशीकरण होगा तब गुरुदेव दत्त भंवरी देवी को अपना सहायक चुनेंगे, तो सोचो वो कैसे कोई सामान्य औरत हो सकती है। और बाकी की चीजें तो जब भंवरी देवी हमें मिलेंगी हम तभी उनसे पूछेंगे, फिलहाल हमें उनसे मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा। सज्जन सिंह जो काफी आगे जा चुके थे, उन्होंने जब देखा ध्रुव और उसके दोस्त पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने इन लोगों को आवाज लगाई और ध्रुव और उसके दोस्त जल्दी जल्दी उनके करीब पहुंचे। सज्जन सिंह बोले, क्या हुआ, तुम लोगों को मंदिर नहीं जाना, आरती में सम्मिलित नहीं होना है? अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है और जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा आरती शुरू नहीं होगी। ध्रुव सज्जन सिंह के साथ मंदिर आरती में सम्मिलित होने के लिए बढ़ गया। नवरात्रि के दिनों में वैसे भी मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, और जब बात हो सप्तमी से नवमी तक की तो ये तीन दिन बहुत खास होते हैं। आसपास लगे मेले और मेले में खरीदारी कर रहे बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। चलते चलते जुल्मी की नजर श्रृंगार की दुकान पर हंसी ठिठोली कर रही और सामान की खरीदारी कर रही रजनी पर पड़ी। आज रजनी हमेशा की तरह बालों की चोटी में या घाघरा चोली में नहीं थी, बल्कि आज रजनी के लंबे बाल खुले थे और उसने बहुत ही तरीके से सलवार कमीज पहन रखी थी। आज वो रजनी रजनी की तरह लग ही नहीं रही थी। रजनी को देखकर अचानक ही जुल्मी के मुंह से निकला, ये तो बहुत सुंदर भी है। जैसे ही जुल्मी की ये बात विक्की के कानों तक पहुंची, विक्की ने जुल्मी का मजाक उड़ाते हुए कहा, सुंदर भी से क्या मतलब है? अच्छा हाँ, तू ये कहना चाहता है ये समझदार है, बहुत ज्यादा होशियार है और सुंदर भी है। क्यों, तुझे नहीं लगता कि आजकल तू रजनी को बहुत गौर से देखने लगा है? जुल्मी को लगा था जैसे उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन विक्की की बात पर वो हड़बड़ाते हुए बोला, किसकी, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे हम उस रजनी का बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो वो रजनी के बगल में जो सुंदर सी लड़की खड़ी है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो रजनी तो हमको नींद में भी अच्छी नहीं लगेगी। जुल्मी की बात पर विक्की ने जुल्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गौर से देख, रजनी के बगल में कोई लड़की नहीं है, उसके बगल में एक बूढ़ी अम्मा है, और रजनी के बगल में जो एक लड़की खड़ी है वो भी लड़की नहीं है, अधेड़ उम्र की आंटी है और विवाहित है, और उसके आसपास कुछ बच्चे हैं। तो रजनी के अलावा और तूने किसकी तारीफ की, उस बूढ़ी अम्मा की या आंटी की? विक्की की बात सुनकर जुल्मी अपने कंधे से विक्की का हाथ हटाता हुआ बोला, बकवास बंद करिए अपना, हम क्यों अम्मा की या उस चाची की तारीफ करेंगे? अरे हम तो ये कह रहे थे। तब तक रजनी की नजर इन लोगों पर पड़ चुकी थी और रजनी ने जैसे ही ध्रुव को देखा वो मुस्कुराती हुई इन लोगों की तरफ आ गई
और ध्रुव की तरफ देखकर बार बार कभी अपने बाल सवारती, कभी अपनी सलवार कमीज को देखती और कभी अपना दुपट्टा ठीक करती और फिर ध्रुव को देखती। शायद उसे उम्मीद थी कि ध्रुव उसकी तारीफ करेगा, लेकिन ध्रुव को उसकी हरकतों का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। और ध्रुव ने रजनी को अपनी तरफ देखते देख कर कहा, बोलो रजनी, कुछ कहना चाहती हो? रजनी ध्रुव की तरफ देखती हुई बोली, आपको आज कुछ अलग नहीं लग रहा है? ध्रुव जो मंदिर की तरफ देख रहा था गौर से देखता हुआ बोला, सही कह रही हो, कुछ अलग है और सब कुछ खूबसूरत भी है। ध्रुव की बात पर रजनी मुस्कुराती हुई बोली, सच? आपको सब कुछ अच्छा लगा और खूबसूरत भी लगा? पता है हम बहुत मेहनत किए हैं सब पर। ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, क्या बात कर रही हो, ये सब कुछ तुमने किया है? यकीन नहीं होता कि मंदिर की इतनी अच्छी सजावट तुमने की है। और ये जो तुमने लाल फूलों के बीच में सफेद फूल डाले हैं ना, इससे तो खूबसूरती और कई गुना बढ़ गई है। वैसे इतने सारे फूल बाहर से मंगवाए क्या? ध्रुव की बात से रजनी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और रजनी ऊंची आवाज में बोली, क्या आप मंदिर की सजावट और खूबसूरती की बात कर रहे हैं? ध्रुव बोला, हाँ तो तुम किसकी बात कर रही हो? तुम मंदिर की बात नहीं कर रही हो क्या? रजनी मुंह बनाती हुई बोली, हाँ हम भी मंदिर के सजावट का ही बात कर रहे हैं, हम भी मदद किए हैं इन सब सजावट में। विक्की जो इन दोनों की बात को बड़े गौर से सुन रहा था, वो रजनी से बोला, वैसे रजनी आज मंदिर के साथ साथ कुछ और भी है जो बहुत अलग है और अच्छा लग रहा है, क्यों ध्रुव? ध्रुव और रजनी दोनों ही विक्की की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। विक्की बोला, अरे रजनी को कोई देखे तो सही, रजनी कितनी अच्छी लग रही है। ध्रुव ने रजनी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ रजनी आज तुम भी अच्छी लग रही हो। एक सेकंड पहले जिस रजनी का चेहरा फूला हुआ था उसका चेहरा फिर से खिल गया और वो मुस्कुराती हुई बोली, है ना, ये कपड़ा हमारे मामा जी शहर से भेजे हैं, ऐसा सलवार कमीज सिनेमा में हीरोइन पहनती है। रजनी की बात पर जुल्मी उत्साहित होता हुआ बोला, हाँ हाँ हम बहुत देखे हैं पुराने जमाने की हीरोइनों को ऐसा कपड़ा पहने हुए, पुराने जमाने में सिनेमा में ऐसा कपड़ा बहुत चलता था, अच्छा लग रहा है तुम पर। अनजाने में ही सही जुल्मी ने रजनी की तारीफ की थी और रजनी ने उसकी तारीफ के बदले गुस्से में जुल्मी को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने, पुराना जमाना की हीरोइन पहनती है और हम पर अच्छा लग रहा है? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हम पुराने जमाने की हीरोइन है? और कौन सा पुराने जमाने की हीरोइन है जो ऐसा कपड़ा पहनती थी, बताना जरा। इससे पहले कि जुल्मी और रजनी के बीच की बहस बढ़ती, ध्रुव ने जल्दी से कहा, बस 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 हो गया, मंदिर में घंटी की आवाज आनी शुरू हो गई है, आरती शुरू हो चुकी है, हम जिस काम के लिए आए हैं वो करें, हम आरती में शामिल होने आए हैं, चलो। ठाकुर साहब कब के चले गए? रजनी हम लोग तुमसे बाद में मिलते हैं। रजनी जुल्मी की तरफ देखती हुई बोली, हाँ हाँ ठीक है हमको भी खरीदारी करना है। इतना कहकर रजनी वापस दुकानों की तरफ चली गई और ध्रुव अपने दोस्तों के साथ मंदिर की तरफ बढ़ गया और जाते जाते जुल्मी से बोला, तू भी कुछ भी बोल देता है, तू भूल गया क्या ये हमारे लिए पुराना समय है और हमारे समय में पुराने सिनेमा की हीरोइन हुआ करती थी, लेकिन अभी के लिए ये आज का ही समय है और लेटेस्ट फैशन है। जुल्मी अपने बाल खुजलाता हुआ बोला, अरे हाँ ये तो हमको ध्यान ही नहीं रहा। मंदिर आरती के बाद छलावा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव अगर तुम हवेली लौटना चाहते हो तो लौट जाओ, मैं कुछ वक्त यहीं रहना चाहता हूँ, दरअसल मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे गांव में क्या क्या हुआ करता था इस समय में। मैंने सुना था गांव वालों से कि सालों पहले हमारे पाली में नवरात्रि के दिनों में नाटक हुआ करते थे जो गांव के लोग खुद प्रस्तुत किया करते थे। हमारे समय में तो छोटे मालिक गायकों को और अलग अलग कलाकारों को बुला लिया करते हैं, इसलिए मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। छलावा की बात पर जुल्मी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हम भी यहीं रुकेंगे। उन दोनों का उत्साह देखकर ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और विक्की तू भी अपने गांव का नाटक देखने वाला है या चलेगा? विक्की ने कहा, मैं चलूंगा यार, अगर आज नाटक वगैरह हुआ और कुछ अच्छा प्रोग्राम हुआ तो कल रात हम सब लोग साथ में आ जाएंगे, तारा को भी साथ ले लेंगे, और तुम्हें तो पता ही है लड़कियों को खरीदारी करने का कितना शौक रहता है, तो कल हम समय से आ जाएंगे तो तारा चाहे तो कुछ शॉपिंग भी कर लेगी। विक्की की बात पर ध्रुव उसे छेड़ता हुआ बोला, तू तारा की इतनी फिक्र कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि हम अपने समय में नहीं है कि शॉपिंग करके अपना लगेज बढ़ाएं। विक्की बात बदलता हुआ बोला, मेरा मतलब था हम सब कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेंगे। क्या तू भी पता नहीं क्या से क्या सोच लेता है, अब चल। विक्की ध्रुव के साथ मंदिर से बाहर निकल गया। दोनों आपस में बातें करते हुए और हंसी मजाक करते हुए धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे।
वो भी बड़े कुएं के पास से गुजर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कुएं के बगल से होता हुआ किंकर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। उसे इस तरह फुर्ती में देखकर विकी ने ध्रुव से कहा, ये कहां से आ रहा है? हवेली ठकुराइन से मिलने तो नहीं गया था? ध्रुव ने ध्यान से किंकर की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं। और फिर अचानक से ध्रुव की नजर किंकर के हाथ में पकड़ी एक पोटली पर गई। उस पोटली के भीतर कुछ चमक रहा था। ध्रुव ने विकी को उस पोटली की तरफ दिखाते हुए कहा, इसके हाथ में क्या है ये कुछ चमकता हुआ सा? विकी ने भी ध्यान से उस पोटली की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं यार, इन लोगों की जिंदगी में सब कुछ चमकता हुआ ही है। कर्म इनके काले और इन्हें मिलता सब कुछ चमकता हुआ है। ध्रुव ने विकी को डांटते हुए कहा, चुप कर, ये मजाक की बात नहीं है, चलकर देखें क्या है ये। विकी बोला, हाँ जैसे तू जाएगा और वो तुझे अपनी पोटली खोलकर दिखा देगा। और झल्लाते हुए बोला, अरे नहीं यार, उसकी झोपड़ी के पीछे जो झरोखा है जहां से मैंने और छलावा ने पहले भी इसकी झोपड़ी के भीतर देखा है, वहां से देखते हैं कि आखिर ये क्या है। ध्रुव आगे बढ़ गया और उसके पीछे चलता हुआ विकी बोला, ताका झाकी, इतना ताका झाकी, कभी कभी तो लगता है मैं इंसान नहीं सीसीटीवी कैमरा या हिडन कैमरा हूँ। ध्रुव के कानों तक विकी की बात चली गई थी और ध्रुव ने मजाक में कहा, तुझे कहना चाहिए टीवी सीरियल की वैम्प, वैम्प ही हीरोइन की इतनी ताका झाकी करती है। ध्रुव की बात पर विकी बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला, हाँ उल्टा है यहाँ, टीवी सीरियल के हीरो वैम्प का काम कर रहे हैं। किंकर झोपड़ी में जाकर झोपड़ी के दरवाजे को बंद कर चुका था। ध्रुव लगभग भागता हुआ उसकी झोपड़ी के पिछले हिस्से की तरफ गया और उसके झरोखे से झांक कर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो झरोखा मिट्टी से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। ध्रुव अफसोस के साथ वापस आता हुआ बोला, यार झरोखे को तो उसने मिट्टी से बंद कर दिया है, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि कोई इस जगह से उस पर नजर रखता होगा। विक्की कंधे उचकाता हुआ बोला, हो सकता है, वैसे भी ये लोग बहुत ही ज्यादा शातिर हैं। ध्रुव विक्की बात कर ही रहे थे कि किंकर अपनी झोपड़ी से निकला और झोपड़ी के दरवाजे पर जंजीर चढ़ाकर जल्दी जल्दी वापस चला गया। विक्की ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ये अभी अभी तो आया था, अभी अभी कहाँ चला गया? ध्रुव ने कहा, ये जहां कहीं भी गया हो ये समझ के हमें एक मौका मिल गया है, अब हम आराम से झोपड़ी में जाकर देख सकते हैं कि आखिर उसकी झोपड़ी में चल क्या रहा है। फिर ध्रुव आगे बोला, एक काम कर, तू यहीं खड़ा रह, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। विकी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और दरवाजे के पास आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर जंजीर चढ़ी हुई थी। जंजीर खोल ध्रुव तुरंत भीतर चला गया और विकी ने बाहर से जंजीर को वापस लगा दिया और वो छुप गया। ध्रुव ने देखा वो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, उसे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंद आ रही थी, जिन्हें पोछता हुआ ध्रुव बोला, ना तो कुछ दिख रहा है ना रोशनी का कोई सोर्स है, क्या करूं? तभी ध्रुव ने गौर किया कि एक कोने में कुछ हल्की हल्की सी चीज चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मोमबत्ती के ऊपर कोई काले कलर का डिब्बा रख दिया गया हो, या कोई पारदर्शी चीज जिससे हल्की हल्की सी चमक बाहर आ रही हो। ध्रुव ने गौर किया तो उसे पता लगा कि ये वही चीज है जो किंकर अभी अभी लेकर आया था। ध्रुव तुरंत उस तरफ बढ़ा और उसने देखा तो एक मोटा सा चादर उसके ऊपर रखा हुआ था। ध्रुव ने वो चादर हटाया और भीतर से वो पोटली निकली। ध्रुव से अब सब्र नहीं हो रहा था, उसने जल्दी से वो पोटली खोली तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें एक गोल कांच की बरनी थी जिसमें से कुछ द्रव्य सा रखा हुआ था जो चमक रहा था। कुछ अलग तरीके से ध्रुव ने उसे गौर से देखा तो वो हैरानी से बोला, शहद? ये तो शहद है। ध्रुव के दिमाग में आया, कहीं ये वही शहद तो नहीं है जो उस पेड़ के फूल से बनता है? अरे हाँ, बंजारन ने कहा था कि अगर वो फूल नहीं खिला, फल नहीं लगा, तो वो किंकर को नहीं छोड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किंकर छुपा छुपा कर उस पेड़ की जड़ में इस शहद को डालता हो, ताकि इन सब की शक्ति से वो फूल शरद पूर्णिमा की रात को फिर से खिल सके। और क्योंकि इसे डर होगा कि ये बात बंजारन को ना पता चले, इसलिए इतना छुपा छुपा कर ये काम करता है। ये शहद तो मामूली नहीं है। इतने में झोपड़ी का दरवाजा खुला और ध्रुव ने डरते हुए पीछे देखा तो दरवाजे पर विकी खड़ा था। विकी ने बोला, क्या कर रहा है, जल्दी कर। ध्रुव ने बिना कुछ सोचे समझे बरनी को वापस उस पोटली में डाला और अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और उसे अच्छी तरीके से रुमाल में लपेट कर उसे लेकर बाहर आ गया।